हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, इस पौधे की जड़ को पास में रखने से बरसने लगता है पैसा। जी हाँ दोस्तों, आदमी जीवन भर रुपए पैसा कमाने और जमा करने में लगा रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति को आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ता है। धन की कमी होने से व्यक्ति भौतिक सुख भी पर्याप्त नहीं मिल पाता है, साथ ही मानसिक पीड़ा भी होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी है जिनकी आय काफी अच्छी होती है, किंतु उनके फिजूल खर्चे आय से अधिक होने के कारण धन का संग्रह नहीं कर पाते हैं। जितना वे कमाते हैं, उतने से ज्यादा वो पैसा अधिक खर्च करते हैं। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि जीवन में कुछ ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव होने के कारण धन संचय में रुकावटें आती है और व्यक्ति आर्थिक समस्या से दो चार होना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कुछ उपाय बताए गए हैं जिनके प्रयोग से व्यक्ति की बड़ी से बड़ी समस्या पल भर में दूर हो जाती है। धन प्राप्ति के लिए, जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक उपाय बताया गया है जिसे करने से आपके सारे संकट दूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक पेड़ की जड़ आपको तिजोरी या पर्स में रखने से आपकी सारी मुश्किलें हल हो सकती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसी कौन सी वृक्ष की जड़ है, पेड़ की जड़ है, जिसे तिजोरी या पर्स में रखने से आपकी सारी आर्थिक अड़चने दूर हो सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, शुक्ल पक्ष की किसी भी गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनकर किसी भी केले की पेड़ की जड़ का छोटा सा हिस्सा, जिसे आप आसानी से अपने पर्स में रखते हैं, जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय घर ले आए। अब इस जड़ को शुद्ध ताजे जल से अच्छी तरह से धोने के बाद गाय को कच्चे दूध और गंगा जल से धोकर इस मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, मंत्र को 108 बार जप कर ले और केले के पेड़े को अभिमंत्रित करके पीले कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख ले। दोस्तों इस केले की जड़ को इसी प्रकार सदैव अपने पर्स में रखें और प्रत्येक गुरुवार को किसी ना किसी रूप में पीला वस्त्र धारण करने का प्रयत्न करें। दोस्तों, इस उपाय के परिणाम कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगेंगे। आपके फालतू के खर्चे कम होंगे, आपके पर्स में सदैव पर्स भरा रहेगा। दोस्तों, इस प्रयोग से धन से जुड़ी परेशानियां कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस केले की पेड़ की जड़ को अपने पर्स या तिजोरी में अवश्य रखें। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।